हेलो हाय, मैं रवि और मैं इस ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो और एक नए ब्लॉग के साथ। तो फाइनली मैं बता दूं कि मैं अभी सोकर उठ रहा हूँ, मेरे आँखें अभी लाल की वैसे ही है। और ये रहा मेरा घर, क्योंकि मैं 2 दिन से अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था और इसलिए मैं थक गया था। और मैं बता दूँ कि अब थोड़ा बस केवल थ्रेसर बुला कर दबाना है, तो आज नहीं तो कल थ्रेसर आएगा और दबा जाएगा खेत। तो फाइनली मैं अब ले जा रहा हूँ मैं अपने खेत की तरफ, देख कि मेरा खेत कैसा है। मैं काट कर बांध दिया हूँ और दिखाएंगे देता हूँ कि फसल अच्छी नहीं हुई थी इस साल, क्योंकि बारिश भी थोड़ा कम हुआ था जिसके कारण। तो अब मैं जा रहा हूँ दिखाने के लिए अपनी फसल, तब तक के लिए वीडियो से लग रही है और वीडियो को देखते रहिए। और जो 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 लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने खेत में, जो आप लोगों को दिख रहा है कि मेरा कितना यहाँ से वहाँ तक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा बोझा खेत में बना हो चुका है। अब मैं चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ घूम को आप तरफ, आप लोग को देख लीजिए। ये रहा मेरा खेत, ये वाला और वहाँ वहाँ तक है। इसमें कितने बोझे हुए हैं, बहुत कम बोझे हुए हैं इस खेत में। तो फाइनली बता दूं कि इसको देखने से पहले आप लोग थोड़ा कमेंट में ये बता दीजिएगा कि कितना गेहूँ गिर सकता है इस मेरे खेत में, क्योंकि मुझे अंदाज़ा रहेगा तो मैं उतने तक का व्यवस्था करूँगा। और जब मेरा थ्रेसर से दबाएगा मेरा खेत तो मैं इसको बताऊंगा कि हाँ इतना ही मेरा खेत में गिरा है। तो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।